इस बीच क्रम में आगे काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। देखिए ये तो इंडिया से जो थाईलैंड आते हैं, बॉडी मसाज, नाइट लाइफ, पटाया, बैंकॉक जाते हैं, लेकिन थाईलैंड उससे कुछ अलग हटके भी है। नेचुरल ब्यूटी भी यहाँ ज़बरदस्त भरी हुई है। आज मैं हूँ थाईलैंड के कोह समुई में और आ गया हूँ बीच रिसॉर्ट पे। सामने है सिल्वर बीच रिसॉर्ट, चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग। क्या सुंदर व्यू आ रहा है सचमुच। यहाँ पे कुछ दो चार दिन रुकने का था, मैं तो बस आज ही बहुत टाइम है यहाँ पे। मैं कल यहाँ से मलेशिया चला जाऊँगा, फिर वहाँ से इंडिया वापस जाना है। और सचमुच में स्वर्ग है। मैंने सुना था कि कोह समुई बहुत ही सुंदर है, तो ये बात वास्तव में बहुत सही है। और ये सिल्वर बीच रिसोर्ट यहाँ का, तो यहाँ पे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और देखिए सिल्वर बीच रिसोर्ट, ये है सिल्वर बीच। और मैं हूँ थाईलैंड के कोह समुई में और ये है यहाँ का सिल्वर बीच रिसोर्ट। देखिए आज भी धूप ज़्यादा यहाँ पे तेज नहीं है। मौसम सुबह में काफ़ी धूप वाला हुआ था, लेकिन थोड़े से बादल फिर छा गए हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे उधर रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में भी लोग बैठे हुए हैं और अम्ब्रेला यहाँ पे लगा हुआ है। और ये बीच तो पूरा का पूरा भरा हुआ है, जैसे यूरोप में था उस तरह का नज़ारा यहाँ पे है। पूरा एक जगह भी यहाँ पे लेटने के लिए बची हुई नहीं है। तो मैं वॉक करते हुए जा रहा हूँ और देखिए यहाँ पे बीच पे झूले भी लगे हुए हैं। कुछ बच्चे भी यहाँ पे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या प्राइस लिस्ट है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। हेल्थ क्लब थाई मसाज 400 baht से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, पास्ता 290 baht का है। यस 100 baht से स्टार्ट हो जाते हैं, 330, बहुत ज़्यादा प्राइसेस नहीं है। यहाँ पे पूल पार्टी भी चल रही है। काफ़ी सुंदर यहाँ का लेविस स्विमिंग पूल है। और ये सिल्वर लाइन क्लब नहीं है, कोई दूसरा क्लब है। ऐसे एंट्री वहीं से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप किसी भी बीच क्लब में जाते हैं तो वहाँ से आप डायरेक्ट सी बीच पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे मसाज चल भी रहा है, एलोवेरा मसाज और सनबर्न 400 baht का है। तो यहाँ जहाँ भी जाएंगे आप थाई मसाज तो मिल ही जाएगा। और ये जो स्विमिंग पूल है वो सिर्फ होटल के गेस्ट के लिए है। कॉटेज के अंदर भी आप लेट सकते हैं, सामने सी बीच एंजॉय कर सकते हैं। और यह क्या सिल्वर लाइन बीच क्लब। वापस मैं जा रहा हूँ अपनी स्कूटी की तरफ। यहाँ पे फ्री है, जब आएंगे यहाँ पे तो आप व्यू का मजा ले सकते हैं। इस बीच क्लब में आगे काफी इंजॉय कर रहा हूँ। देखिए ये है, तो ये काफी यहाँ के फ्रेंडली लोग हैं, काफी अच्छा यहाँ पे इंजॉय कर रहा हूँ। एनी अदर प्लेसेस यू विजिट इन कोह समुई? एनी अदर प्लेसेस? कोह समुई, चावेंग बीच, चावेंग इज बेटर। Yes, also it's another thing. It's have like food and toys and much more than village. But it's also we also have here the fisherman village. Where the land? The fisherman village. Where? Ah, where is it? It's not far from here. Okay. It's about a couple minutes in a cab. Okay. Yeah. Any beach has nightlife? In here? What? Any beach has nightlife here? Nightlife? Yes. It's Chavang. Where? Chavang Beach. Chavang. Okay. Yes. You visited Chavang Beach? No, I haven't been there. Okay. So, this is Koh Samui's Silver Beach. Hai.